श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फन में जहर होता है, बोलो सही है कि गलत है, मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है, कब कहां से टसेगा मालूम नहीं पड़ता। पर सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है, बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला, मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है, इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है, मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा, मानव को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा, हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा, नहीं, सांप को देखकर भर जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे। तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं, मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है, क्या नाम है, धूमवान, माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी मधुमक्खी है धूमावती के, शिव जी के गले में सर्प वो भी विषैला, कानों में बिच्छू वो भी विषैला, हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती हमें पहचानना नहीं है, सांप डसेगा ये उसका काम है, मधुमक्खी काटेगी डंक मारेगी ये उसका काम है, बिच्छू डंक मारेगा ये उसका काम है, और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रखना, काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं काट खाया, बिच्छू काटे बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा, मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जा, उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है, का निर्माण करना है शिवलिंग। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं